अच्छा बीजेपी के नेता से ही सवाल है, मैं आता हूँ फिर आप लोगों के पास। वो कह रहे हैं कि डायरी तो है लेकिन 7 गारंटी वाली डायरी है, सरकार कह रही है कि हम गारंटी दे रहे हैं ये काम करेंगे। ये इनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। ये गोबर की बात करते हैं, 2 रुपए किलो गोबर लेंगे, लेकिन जब लंपी वायरस था तब कहाँ चले गए थे? अगर गाय की चिंता करते थे, गौ माता के भक्त थे, तो इस बात की चिंता करते। और रही बात जिस प्रकार से इन लोगों ने आरोप लगाने का काम किया, ये अनिल जी बैठे, इन अनिल जी से पूछो भावगढ़ से नौगावा रोड की क्या हालत है, इन अनिल जी से पूछो कि गौतमेश्वर का जो इन्होंने डेवलपमेंट कराया है दक्षिणी और उत्तरी के नाम से 10 लाख 1, 20 लाख 1 कौन खा गया? अच्छा एक और बात है, एक और बात है, इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बड़ा आरोप आपका नितिन गडकरी भी लगा के गए आप लोगों पर, कांग्रेस वालों पर, कह रहे हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कन्हैया लाल वाली घटना वो याद दिला रहे हैं, कह रहे कि वो इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, आतंकवादियों को आप लोग समर्थन देते हैं, पीएफआई जैसे जो संगठन है उनकी रैलियां निकल जाती हैं। कांग्रेस सरकार सभी धर्मों को, सभी लोगों को, सभी समुदाय को साथ में लेकर चलती है। वो रही बात हो कन्हैया लाल वाली घटना की, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला था जिसको गहलोत सरकार ने अच्छे ढंग से हैंडल किया, और उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने उदयपुर पहुंच के मृतक के परिजनों से मुलाकात की, दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी, उसको आर्थिक सहायता दी। लेकिन अब मामला खुद सीएम साहब ने कहा है एनआईए में है, एनआईए उसने हाथ में, तो एनआईए जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, क्यों उन मुजरिमों को मतलब यह सजा क्यों नहीं दिला पा रही है? और रही बात इन्होंने कही है अभी लंपी वायरस की, अरे भाई इन्होंने भाई मेरे माइक छोड़िए नेताजी, अपनी बात रखिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि गौ माता के ऊपर ये बोल रहे हैं। हाँ। आज इनको गौ माता के ऊपर बोलने का कोई हक नहीं, आप गौशाला के संचालकों से जाके पूछ सकते हैं कि जितना अनुदान अशोक गहलोत ने कांग्रेस की सरकार ने गौशालाओं को दिया है किसी ने नहीं दिया, साधु संतों को देख रहे, गायों का जितना ध्यान अशोक गहलोत ने रखा किसी ने नहीं। अरे आप लोग पीछे खड़े हैं, आपकी बात नहीं आ पाएगी, सामने आ जाइए, कुछ कहना हो तो आइए, बाबा बुजुर्ग भी हैं आप लोग, आइए सामने की तरफ आइए, किसी को सवाल है किसी के पास कुछ बोलने के लिए बोलिए। ये जो इनके जो रामलाल जी मीणा है वो पहले एक क्षेत्रीय पार्टी में थे, उससे पहले बीजेपी में थे, और अब कांग्रेस में, और अब चुनाव आने के बाद फिर बीजेपी में आ जाएंगे वो। सर पहले तो भारतीय जनता पार्टी की बैठक के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं रखी, सब इनके ही बैठे हुए हैं। आप कहाँ थे? आपकी गाड़ी बहुत लेट चल रही है, आपकी गाड़ी, ये लोग बहुत पहले से आ गए थे, हमें नहीं पता कौन किस पार्टी का है, हमें कुछ नहीं पता होता कौन किस पार्टी का है, जो पहले आएगा कुर्सी पे बैठ जाएगा, जो देर आएगा वो इधर रहेगा। बोलिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।